अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन ब्यूटी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, अपने इत्मीनान में रखे। आमीन। आज की वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारे से ड्रेस डिजाइनिंग के आइडिया सिलेक्शन, जो कि कैजुअल वेयर है, बहुत ही हसीन है और आप इजीली रेगुलर बेसिस पे पहन सकते हैं और बना भी सकते हैं। ये डिजाइन आप लोगों को इसीलिए दिखाए जाते हैं कि आप लोग आइडियाज लेकर अपने ड्रेस डिजाइनिंग खुद कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत है इसका, डीप मेहरून शॉकिंग शेड का ड्रेस है प्लेन, और इसके ऊपर जो है सेंटर में नेक जो है बना हुआ है इसका सिंपल राउंड नेक है, और सेंटर में इसके ज्वाइंट करके ही उसी के फैब्रिक के ऊपर ही ये ट्रायंगल्स लगाए हुए हैं, और सेंटर में पेटल्स गोल्डन कलर की यूज की हुई हैं। ये टसल्स के तौर पे भी यूज होती हैं, बहुत ही छोटे छोटे से टसल्स टाइप के मिलते हैं, ये बटन्स मिलते हैं, टसल्स मिलते हैं, और आप कुछ भी कर सकते हैं इसको। प्लेन ड्रेस है बिल्कुल सिंपल सा, और इसके जो ट्राउजर में ये कट्स बने हुए हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और इसके शूज भी आप देख सकते हैं मैचिंग के साथ जो पहने हुए हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और किसी को भी कोई भी डिजाइन अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को डिजाइनिंग में हेल्प रहे और आप अपने ड्रेस खुद डिजाइन कर सकें। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये जो इसके अंदर टिश्यू फैब्रिक यूज किया हुआ है, ये एक टिश्यू फैब्रिक आया हुआ है आजकल मार्केट में, जिसके ऊपर जो है छोटे छोटे से ब्लॉक्स बने हुए हैं, स्क्वायर बने हुए हैं, और इसमें जो है एक छोटे साइज के स्क्वायर बने हुए हैं फैब्रिक में और एक बड़े साइज में। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी फैब्रिक इसमें यूज करके ये वाली डिटेलिंग कर सकते हैं। नेकलाइन में भी देख सकते हैं यही फैब्रिक यूज करके डिटेलिंग हुई हुई है, बहुत ही प्यारा सा नेक बना हुआ है इसका, सिंपल सा ड्रेस है, और स्लीव में भी सेम टिश्यू फैब्रिक यूज किया हुआ है। कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, मस्टर्ड के साथ ब्लैक कलर और येलो के साथ ब्लैक कलर बहुत ही प्यारा लगता है, तो आप ये डिजाइन खुद बना लीजिएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। और चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये भी आप देख सकते हैं सॉलिड कलर का ड्रेस है प्लेन, और इसके ऊपर बैन वाला गला बना हुआ है, नीचे बॉर्डर लाइन में आप देख सकते हैं कट्स बने हुए हैं, टिश्यू फैब्रिक यूज किया हुआ है। आज जो मैं आपको ज्यादातर ड्रेसेस दिखाऊंगी इसमें ज्यादातर ड्रेसेस में टिश्यू फैब्रिक को ही यूज किया हुआ है, और डिटेलिंग के लिए बहुत ही प्यारा भी लग रहा है। ट्राउजर में देख सकते हैं हम सेम टिश्यू फैब्रिक यूज किया हुआ है, और उसके अलावा इसमें हल्की सी पिंटेक्स भी डली हुई है नीचे बॉर्डर लाइन में, आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर, तो ये आप बना सकते हैं, या अगर आप खुद आपको नहीं आती बनानी तो आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें और टेलर को दिखाकर आप ये ड्रेसेस बना सकते हैं इजीली। ये ड्रेस देखिए फ्रेंड, इसमें भी जो है हल्की सी व्हाइट कलर की कंट्रास्टिंग के साथ डिटेलिंग हुई है, मतलब व्हाइट लेस यूज की हुई है, तो आप ये बॉर्डर लाइन में यूज कर सकते हैं, ज्वाइंट लेस यूज कर सकते हैं, शटर लेस यूज कर सकते हैं, कोई भी ड्रेस में आप किसी भी कलर की हल्की फुल्की सी लेस यूज कर लें तो वो बहुत ही प्यारा भी बन जाता है। और आप देख सकते हैं प्रिंटेड शर्ट के साथ प्लेन ट्राउजर कितना प्यारा लग रहा है। इस टाइप के फैब्रिक आजकल मार्केट में आए हुए हैं, तो आप मार्केट का विजिट करें, फैब्रिक अपनी मर्जी से कोई सा भी लें जो आपका दिल करता है, और फिर आप अपनी डिटेलिंग ये कर सकते हैं। ये ड्रेस देखें, इसमें बैन वाला गला है, साइडों में प्रिंटेक्स हैं, एक दो फिर एक, इस तरह से आप दोनों तरफ दे सकते हैं, बटन लगे हुए हैं सेम कलर के, और स्लीव में आप ये देख सकते हैं कट्स बने हुए हैं, साथ में टसल्स के साथ टिश्यू फैब्रिक यूज किया हुआ है फोल्ड करके। डबल सिंगल अगर यूज करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा पतला सा हो जाता है, और इसके ऊपर इस्त्री करते हुए एहतियात करनी पड़ती है, वरना टिश्यू फैब्रिक जो है जल जाता है, हल्की सी इस्त्री लगने पर भी, यानी कि आयरन करते हुए बहुत ही एहतियात करनी पड़ती है अगर किसी भी फैब्रिक में टिश्यू फैब्रिक को यूज किया हुआ है तो। मैंने अपने बहुत सारे ड्रेस इसी वजह से जलाए हैं, इसलिए तजर्बा हासिल किया जला जला के तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नेकलाइन में व्हाइट कलर की जो पाइपिंग लगी हुई है, लूप्स बने हुए हैं, इन लूप्स में आप चाहें तो बटन भी ऐड कर सकते हैं, खाली लूप्स का भी फैशन चला हुआ है आजकल तो सिर्फ, और ये लूप्स वाली जो है लेसेस भी आ रही हैं, और ये साइडों में पैनल्स के तौर पर जो यूज की हुई है शटर लेस और ज्वाइंट लेस यूज की हुई है, और स्लीव में भी आप देख सकते हैं इस तरह से सेंटर में जो आप देखे हैं यहाँ प्रिंटेक्स चली हुई है, कितनी प्यारी लग रही है सेंटर की। इसी तरह आप ये अपनी पूरी शर्ट में प्रिंटेक्स दे सकते हैं, स्ट्रेट दे सकते हैं, रेप की दे सकते हैं, स्लीव में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक सी ये तीन जो है प्रिंटेक्स चली हुई है, और ज्वाइंट लेस के बाद फिर फैब्रिक यूज किया हुआ है प्लेन, उसके बाद फिर आगे जो है शटर लेस को यूज किया हुआ है। तो ट्राउजर भी आप देख सकते हैं स्लिप वाला ट्राउजर है जिसके ऊपर बटन यूज किए हुए हैं छोटे छोटे से, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और रेगुलर बेसिस के लिए बहुत ही परफेक्ट भी रहेगा। ये देखिए यार, ये एक ट्यूनिक टॉप टाइप की शर्ट है प्लेन ट्राउजर के साथ, स्ट्रेट ट्राउजर है,
और इसमें हल्का सा गोटा यूज किया हुआ है। ये गोटा डिफरेंट टाइप का आया हुआ है मार्केट में, गोटा लेस आई भी है, गोटा जिगजैग आया हुआ है, और उसके अलावा गोटा की डोरी आई भी है। तो आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं इसके लिए, अगर आपको कोई एक चीज नहीं मिल रही तो। इसमें आप देख सकते हैं हल्के हल्के से कट्स वाला डोरा गोटा है, ये डोरा कह रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, बोलते बोलते जबान फिसल जाती है, खैर आप इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में जो बटन यूज किए हुए हैं वो भी गोटे के यूज किए हुए हैं, सिंपल स्ट्रेट नेक के साथ, मतलब राउंड नेक के साथ, और बहुत ही प्यारा सा है। इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग जितनी आपको पसंद हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। इसकी आप डिटेलिंग देख सकते हैं नीचे। इसमें ब्रिटिश फैब्रिक यूज किया हुआ है, दो तरह की लेसेस यूज की हुई हैं, एक टसल्स वाली और एक शटर लेस, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। स्लीव में भी आप देख सकते हैं ज्वाइंट लेस यूज की हुई है, और नेकलाइन में आप ये देखें ये फ्रिल बना के यूज की हुई है। ये फ्रिल वाले नेक के आजकल इतना ज्यादा फैशन है और इतना ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि हर किसी के ड्रेस में ये नेकलाइन लाजमी बना हुआ था, क्योंकि एक आध ड्रेस में तो लाजमी बना हुआ होगा। अगर नहीं बनाया तो बना लें, नहीं तो आप इग्नोर करें, अगर नहीं बनाना तो खैर है, कोई मसला नहीं। और स्क्रीन शॉट जिसको भी लेना हो तो ले लीजिएगा। इसके कट वर्क भी आप देख सकते हैं, सेम स्लीव में जो कट वर्क हैं वही बॉर्डर लाइन में, चौक में, घेर में और ट्राउजर में है, और नेक लाइन पे भी जो है पर्स लगे हुए हैं, तीन पर्स लगे हुए हैं, छोटा, बड़ा और सबसे बड़ा। अगर आपको मैचिंग के कोई भी बटन ना मिल रहे हो तो आप इस टाइप के पर्स भी बना के यूज कर सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं आप, ये पैनल्स बनी हुई हैं बारीक बारीक सी, सेंटर में बटन लगे हुए हैं, बटन कॉपर कलर के, जो जेंट्स बटन होते हैं वो यूज कर सकते हैं आप। अगर आपको इस टाइप के बटन चाहिए होते ये जेंट्स बटन है, और बहुत ही प्यारे भी लगते हैं सिंपल कुर्तों में, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसके फ्लेयर भी आप देख सकते हैं चूड़ीदार पजामे के साथ, कितना प्यारा लग रहा है फ्रॉक। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।